खटीमा के सुरई वन रेंज संख्या 47वीं में बाघ ने एक व्यक्ति को अपना निवाला बना लिया। व्यक्ति की मौत के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं इस घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। मृतक की पहचान हरनंदन के रूप में हुई है। हरनंदन और उसकी पत्नी नानी देवी घास लेने के लिए जंगल में गए हुए थे। इस दौरान बाघ ने हरनंदन पर हमला कर दिया और उसे खींचते हुए झाड़ियों की तरफ ले गया। नानी देवी के शोर मचाने पर स्थानीय लोग एकत्रित हुए और घटना की सूचना वन विभाग की टीम को दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने लगभग 25 राउंड हवा में फायर कर बाघ के कब्जे से व्यक्ति को छुड़वाया, लेकिन तब तक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पुलिस के साथ मिलकर पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। SDO संतोष पंत ने कहा कि हमारे द्वारा लगातार उस क्षेत्र में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि जंगल में अकेले ना जाएं। आज वन क्षेत्र अधिकारी सुरई को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम हरमंदर बताया गया है, जो ग्राम महोब पीलीभीत उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जंगल में झाड़ू की सीख बिनने के लिए गया हुआ था, जिस दौरान वन्यजीव के हमले में वन्यजीव द्वारा हमला करके उसे जंगल में ले जाया गया है, जिसकी ढूंढ खोज हेतु वन क्षेत्र अधिकारी सुरई अपनी टीम लेकर रवाना हुए और जंगल में ढूंढ खोज के उपरांत झाड़ियों में उक्त व्यक्ति का शव बरामद हुआ। व्यक्ति के साथ उनकी पत्नी भी जंगल में गई थी, जिनके द्वारा बताया गया कि बाघ द्वारा हमला कर उनके पति को मारा गया है। क्षेत्र में सुरक्षा हेतु गश्त इत्यादि बढ़ा दी गई है और वन विभाग द्वारा लगातार इस संबंध में स्थानीय जनों से निवेदन भी किया जा रहा है कि वन क्षेत्र में अनावश्यक रूप से गतिविधि न करें। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।